हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू गाइस। आने वाले 24 घंटे में आप लोग क्या महसूस करोगे, क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस है फ्रॉम योर गाइड्स। ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सारा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज कमिंग फॉर यू गाइस नेक्स्ट 24 आवर्स, जब भी आप इसे देख रहे हो उस समय से लेके। ओके, लेट्स सी। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून जो सबसे पहले आया है। सो आई फील लाइक ओके देयर इज ओके नाइन ऑफ कॉइन्स, फाइव ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ कप्स, डेथ, द वर्ल्ड। आई सी हियर दैट आप किसी चीज़ में फिर से कोशिश कर रहे हो, फिर से एफर्ट्स डाल रहे हो, बिकॉज लास्ट टाइम ये जो भी चीज़ है, ये जो भी टारगेट है, टारगेट था आपका, ये वर्कआउट नहीं किया था। ठीक है, अब बहुत से लोगों के लिए ये आपका करियर हो सकता है कि आपने एग्ज़ाम दिया था लेकिन आपने अच्छे नंबर आपको नहीं मिले, या आप क्लियर नहीं कर पाए, या आपने जॉब इंटरव्यू दिया लेकिन हुआ नहीं, कुछ ना कुछ। ठीक है, कहीं सिलेक्शन होना था पर हुआ नहीं, मिला नहीं चांस, या फिर आप पढ़ाई छूट गई थी आपसे, कहीं पे कोई काम कर रहे थे लेकिन वो काम आप नहीं कर पाए क्योंकि कुछ और करना पड़ गया। तो इट्स लाइक कुछ नहीं हुआ था, या फिर ये आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप था जहाँ पे आपको लगा था कि मुझे ये चीज़ बोल देनी चाहिए या मुझे ये काम कर देना चाहिए लेकिन आपने किया नहीं। ओके, सो कोई भी चीज़ जो आपसे अधूरा रह गया था या आपको लगा था कि ये चीज़ लाइफ में अधूरा है एंड वो आप पूरा नहीं कर पाए थे लास्ट टाइम, आप इस बार उसे पूरा करने जा रहे हो, आप इस बार फिर से मेहनत कर रहे हो। चाहे ये एक चीज़ कितनी भी पुरानी है, ये रिलेशनशिप कितना भी पुराना हो, ये फ्रेंडशिप कितना पुराना हो, डजंट मैटर। कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ में आप वापस लाना चाहते हो, कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ लोग, एंड आई फील लाइक ये जो भी चीज़ है, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वैल्यूएबल। ठीक है, एंड आप काइंड ऑफ इस बार कुछ नए स्ट्रैटेजीज बना रहे हो लाइफ में, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम फीलिंग हियर। सो आप अपना हर एक काम को एक नए तरीके, एक नए ढंग से करने जा रहे हो, करना चाहते हो, करने का डिसाइड कर रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि इस वक्त लाइफ में चेंज लाना इम्पोर्टेंट है, इस वक्त लाइफ को बदलना इम्पोर्टेंट है, चाहे वो करियर हो, लव लाइफ हो, फैमिली हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, लेकिन आप काइंड ऑफ अपनी लाइफ को आप अपने लाइफ में बदलाव लाना चाहते हो। ठीक है, बिकॉज़ आपको लग रहा है कि ये समय आ चुका है कि लाइफ में आप नए अपॉर्चुनिटीज़ को छुए, नए डायरेक्शंस में जाए, नया कुछ करें एंड ऑल दैट स्टफ। आपके करियर सिचुएशन में आई सी दैट आप ज़्यादा खुश नहीं हो इस वक्त, लेकिन आप काफ़ी सारे चेंजेस और काफ़ी सारा डिसीशंस और काफ़ी सारा एक्शन ले रहे हो इस चीज़ को चेंज करने की। नाउ आपके लिए मैसेज ये होगा कि कभी भी दोबारा शुरुआत करना गलत नहीं है। ये मत सोचना कि मेरे पास कितना टाइम है या क्या मैं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँगा, क्या बहुत देर हो गई है, ये सब सोचने का टाइम अभी नहीं आया है, ये सब अभी मत सोचिए। ये समय है कि आप जो चेंजेस चाहते हो वो चेंजेस आप लेके आओ।
टेक एन एक्शन, मेक अ मूव. फॉर सम ऑफ यू आप ट्रैवल करने वाले हो, फॉर सम ऑफ यू अगर आपका ये ड्रीम है टू सेटल अब्रॉड, मे बी वो पूरा हो सकता है. कुछ लोगों के लिए अगर आपका ड्रीम है कि आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आप अलग घर लोगे, आप अलग रहोगे, वो भी आपका सपना पूरा हो सकता है. सो जो भी चेंजेस ज़रूरी है, जो भी एफर्ट्स ज़रूरी है, उसे आपको डालना होगा. ये मत सोचिए कि बहुत देर हो गई, बहुत ये हो गया. कोई भी ड्रीम जो आप हमेशा से करना चाहते थे लेकिन मौका नहीं था, पैसा नहीं था, लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, आप फिर से वो इस वक्त कर सकते हो अगर आपने चाहा तो. आपको इस वक्त बेशक लग सकता है लाइफ में कि आप बहुत ही किसी जगह पे स्टार्टिंग पोजीशन में हो, आप दूसरों के तरफ दूसरों के तरह आप आगे नहीं बढ़ चुके, या आपके एज में लोग जो कर रहे हैं मे बी आप वो नहीं कर पा रहे हो फिनेंशियली या करियर में, जैसे भी. लेकिन यूनिवर्स इज सेइंग कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपैरिजन में कुछ नहीं रखा है. इट्स जस्ट अबाउट योर लाइफ टाइम, इट्स जस्ट अबाउट योर स्टोरी. आपकी कहानी आपकी लाइफ है. सो आप उस कहानी को कैसे लिखते हो या आपके ऊपर है. आप किसी और की कहानी से अपने आप को कंपेयर करके आप अपनी कहानी नहीं लिख सकते, राइट? सो दैट इज व्हाट. एंड इन योर लव सिचुएशन गाइज, आई सी रिकन्सिलिएशन एनर्जी. आई सी बहुत सारे लोग, देयर इज स्टिल दिस एनर्जी ऑफ लाइक लव जो आप किसी से यू नो जुड़े हुए हैं. एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी चल सकता है कि इस पर्सन ने या आपने अपने पार्टनर को छोड़ा था किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस के वजह से. लेकिन ये जो भी थर्ड पार्टी है, दे आर शोन एज द पेज ऑफ वॉन्स. ये जो भी थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी बहुत ही इमेच्योर है. ये थर्ड पार्टी बहुत ही लाइक यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए नहीं है. दिस थर्ड पार्टी हैज़ अ लॉट ऑफ फ्लॉज, ठीक है, जो तब शायद नहीं दिखा था लेकिन अब दिख रहा हो इस पर्सन को. लेकिन फॉर सम ऑफ यू देर इज़ लाइक अ बॉन्ड जो चल रहा है इस थर्ड पार्टी के साथ, यू नो. या तो किसी की शादी होने वाली है, शादी हो चुकी है. फॉर सम ऑफ यू ये थर्ड पार्टी इज़ एक्टिंग लाइक अ सोलमेट इन दिस कनेक्शन. ये किसी के सोलमेट हो सकते हैं, ये जो थर्ड पार्टी है यहाँ पे एक्चुअली, अगर आपकी साइड से है या उनके साइड से है. बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप दोनों के बीच में कोई एक जन, आप या आपके पर्सन डिसाइड कर रहे हैं टू कम बैक टू दिस कनेक्शन, कम बैक टू दिस सिचुएशन. क्योंकि थर्ड पार्टी जो भी है वो आपको रिप्लेस नहीं कर पाए थर्ड पार्टी के साथ. वो ये नहीं देख पाए कि उनको लगा था कि आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के साथ वो खुश रह लेंगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्हें फ़र्क पड़ता है. अगर ये आप हो तो आपको फ़र्क पड़ता है. एंड थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई अफेयर, कोई करियर सिचुएशन, फैमिली मेम्बर, लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है. इस केस में बहुत सारे लोगों के लिए ये एक इंसान है, कोई अफेयर है, क्योंकि आप एक सोलमेट एनर्जी है. लेकिन फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस कुड ऑल्सो बी करियर और समथिंग. कुछ आ गया था बीच में एंड आपके पर्सन ने उसी चीज़ को अपना प्रायोरिटी बना लिया, उसी चीज़ को चूज़ कर लिया एंड आपको नहीं किया. सो इन दैट केस डोंट वरी, क्योंकि दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक. अब आप इस पर्सन को वापस लेंगे या नहीं वो आपका डिसीजन होगा एब्सोल्युटली. लेकिन इस पर्सन को, ये पर्सन काइंड ऑफ कोशिश किए थे या इस पर्सन को लगा था कि आपके बिना खुश रह लेंगे या आपके बिना चला देंगे, लेकिन एक्चुअली वो नहीं हो पाया. एक्चुअली चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हुआ एंड दैट इज़ समथिंग जो उनको वापस लेके आ रहा है आपके पास. बिकॉज़ उन्होंने ये काइंड ऑफ रियलाइज़ किया है कि आप जितना इम्पॉर्टेंट हो या आपके साथ जो मेमोरीज़ है या आप उनके लाइफ में जिस जगह पे हो, वो जगह वो किसी और को चाह के भी नहीं दे सकते, काइंड ऑफ. ओके, सो नेक्स्ट 24 आवर्स में अपना फोकस रखना चेंज के ऊपर, बदलाव के ऊपर. जो भी डिसीशंस, जो भी एक्शंस लेना है उसको सीरियसली लेना, देखना कि क्या क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, उस हिसाब से काम करना. एंड स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस होना और अपना टारगेट सेट करो. अपना लक्ष्य जो है उसे मजबूत बनाओ, उसे मत भूलो. बाकी सब कुछ धीरे धीरे विल बी बैक टू प्लेस. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ.
टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।